हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर 3 में जो हमें टॉपिक कवर करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन का कंसेप्ट हम देखेंगे। सेकंड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि एफ इक्वल्स टू एम ए का हम एप्लीकेशन देखेंगे। थर्ड है मोशन एंड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यदि मोशन हो तो उस केस में हम देखेंगे। फोर्थ है स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन से। तो वेइंग मशीन आपने देखा होगा कि कोई एक मशीन होता है जिस पर आप कोई भी वजन रखते हैं तो वो हमें रीडिंग देता है, जो रीडिंग प्रीडिफाइंड रीडिंग होता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट वेइंग मशीन करता क्या है कि वेइंग मशीन के ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये वेइंग मशीन है, ठीक है। वेइंग मशीन के ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं तो वेइंग मशीन हमें क्या करता है, वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका हमको रीडिंग दे देता है। तो जो वेइंग मशीन के ऊपर जो रीडिंग शो होता है वो एक्चुअल क्या है कि वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लगा, वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लगा, नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, ये एक्चुअल रीडिंग हुआ जो हमें वेइंग मशीन के ऊपर शो करता है। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल किस नॉर्मल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है, और जी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ नीचे मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा केजी, यानी कि जो हमारा रीडिंग शो कर रहा है वो किस यूनिट में शो कर रहा है, केजी में। ठीक है, तो वही यहाँ मत ए वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट डिवाइडेड बाय जी, यानी कि वेइंग मशीन जो हमारा रीडिंग देता है वो नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जी करने के बाद जो आया वो हमें रीडिंग देता है। ठीक है, तो जैसे कि देख लेते हैं ये मास एम है और वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो मास एम के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो हम पहले दिखाएंगे एफबीडी के थ्रू। तो मास एम के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है किसके द्वारा, वेइंग मशीन के द्वारा, ठीक है, नॉर्मल लग रहा है मास एम के ऊपर, नॉर्मल लग रहा है वेइंग मशीन के द्वारा, और मास के ऊपर एक ग्रेविटी लग रहा है एम जी, और इसका एक्सलरेशन जीरो है, एक्सलरेशन जीरो। तो अब इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ए यहाँ जीरो है तो ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो एन माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, तो एन इक्वल्स टू एम जी, एन का वैल्यू आ गया। अब हम वेइंग रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, वेइंग मशीन के ऊपर जितना नॉर्मल लगेगा उसको हम जी से डिवाइड करेंगे। तो अब वेइंग मशीन का एफ बी डी बनाते हैं, तो वेइंग मशीन का एफ बी डी, तो वेइंग मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है, वेइंग मशीन के ऊपर ये नॉर्मल लग रहा है, तो वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लगता है उसको हम जी से डिवाइड करेंगे तो उस वेइंग मशीन का रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल अपॉन जी, तो नॉर्मल कितना आया एम जी के इक्वल, तो एम जी बाई जी, तो रीडिंग कितना आएगा एम के जी। ठीक है, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसका समरी देख लेते हैं पहले कि नॉर्मल फोर्स विल बी वर्टिकली अपवार्ड, नॉर्मल फोर्स क्या होगा वर्टिकली अपवार्ड होगा।
अप्लाई ऑल दी फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास एम, जो वेइंग मशीन के ऊपर जो हमने ब्लॉक रखा है उसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है वो हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद एफ नेट इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, नॉर्मल फाइंड करेंगे। उसके बाद नॉर्मल को हम जी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेइंग मशीन का रीडिंग आ जाएगा, और रीडिंग क्या किस में होगा, केजी में होगा, ठीक है। नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी, तो नॉर्मल न्यूटन में है तो नॉर्मल का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू जी, तो जी का यूनिट, जी क्या है एक्सलेशन है, तो एक्सलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी, ठीक है। तो आगे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज किप्ड ऑन वेइंग मशीन विच इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट एक्सलरेटिंग अप विथ एक्सलरेशन ए, यानी कि एक लिफ्ट है जो ए एक्सलरेशन से एक्सलेट कर रहा है और उस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन लगा हुआ है और उसके ऊपर मास एम रखा हुआ है, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बताना है। तो हमें क्या निकालना, रीडिंग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वो हमें चाहिए, और नॉर्मल को हम जी से डिवाइड कर देंगे तो वो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले मास एम का एफबीडी बनाते हैं, तो मास एम तो इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा किसके द्वारा, वेइंग मशीन के द्वारा, और एक फोर्स एम जी लग रहा है, ठीक है, और इसका एक्सलेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट तो जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन होगा हम उस डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। वेइंग मशीन के ऊपर ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल लग रहा होगा, इसी नॉर्मल को हम जी से डिवाइड कर देंगे तो क्या दे देगा हमें, रीडिंग दे देगा, तो रीडिंग इक्वल्स टू नॉर्मल बाय जी के जी। तो नॉर्मल कितना है, एम जी प्लस एम ए बाय जी, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच कराइए किस में है, बी नंबर में, बी नंबर में मेरा ऑप्शन है एम जी प्लस एम ए बाय जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ एलिवेटर इज एट रेस्ट फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, इस केस में एलिवेटर क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट ए इक्वल्स टू जीरो और वी इक्वल्स टू वी जीरो, ठीक है। अगर इस केस में वी कुछ होता मान लेते वी इक्वल्स टू टू मीटर पर सेकेंड है, फिर भी ए जीरो होता तो केवल हमें नॉर्मल जो निकालते उससे मेरा आ जाता, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ए भी जीरो है भी जीरो है, इस क्वेश्चन में वी से कोई मतलब नहीं है, केवल ए से मतलब होता है, ए से मतलब हो अगर ए कुछ होगा तो नॉर्मल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल का वैल्यू जितना फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वही होगा, ठीक है। तो इस पर हम एफ बी डी बनाते हैं 12 kg, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा और एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 120 इंटू जी, तो इसका एक्सलेशन इस डायरेक्शन में जीरो है, तो नेट एफ नेट लिखते हैं एन माइनस एम जी
बराबर एम ए, तो ये ज़ीरो हो गया, तो एन इक्वल्स टू एम जी, तो एन इक्वल्स टू एम जी 120 जी। अब रीडिंग लिख, रीडिंग इक्वल्स टू होगा एन बाय जी, तो 120 जी बाय जी इक्वल्स टू 120 केजी, तो रीडिंग कितना आ जाएगा 120 केजी। सॉरी 12 ग्राम, 12 जी होगा, यहाँ भी 12 जी होगा, यहाँ भी 12 जी, तो जी से जी कैंसिल, तो 12 केजी आ जाएगा रीडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है, इफ एलिवेटर हैज एक्सलेशन ए इक्वल्स टू 4 m/s² डाउनवर्ड फाइंड रीडिंग। प्रीवियस केस में ए क्या था, ऊपर था, इस केस में ए नीचे है। ठीक है, तो ए रहने से क्या होगा कि नॉर्मल के वैल्यू में चेंज होगा। ठीक है, तो इसका हम एफ बी डी बनाते हैं, 12 kg। ठीक है, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा वेइंग मशीन के द्वारा, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा एम जी, और इसका एक्सलेशन इस डायरेक्शन में ए इक्वल्स टू फोर्स 4। तो हम क्या करेंगे, एक्सलेशन के डायरेक्शन में फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ नेट क्या होगा, एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए, तो 4 m। तो ए का वैल्यू पुट करते हैं, हालांकि इसको एन इक्वल्स टू एम जी माइनस 4 m, अब रीडिंग इक्वल्स टू एन बाय जी, तो एम जी माइनस 4 m बाय 10, तो एम जी 120 माइनस 4 × 12/10, तो 120 माइनस 4 × 12 48/10, तो 72/10 इक्वल्स टू 7.2। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है कि एक मैन है जो कि लिफ्ट में है और वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, और लिफ्ट का एक्सलेशन 5 m/s है, तो स्केल का वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, सामने क्वेश्चन कर रखा है, केवल एक्सलेशन चेंज कर दिया गया और मास चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम एफ बी डी बनाएंगे, 80 kg नॉर्मल और 800, और ए इक्वल्स टू 5 m/s², तो मोशन का इक्वेशन लिखेंगे एक्सलेशन के डायरेक्शन में, तो एन माइनस 800 इक्वल्स टू एम ए, मास दिया हुआ है 80 × 5, तो एन इक्वल्स टू आ गया 400 + 800, तो एन इक्वल्स टू आ गया 1200। तो वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा होगा, वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल इक्वल्स टू 1200, तो रीडिंग कितना आएगा, रीडिंग इक्वल्स टू नॉर्मल 1200 बाय जी 10, तो 120 kg। तो इसका एक्चुअल में कितना मास है, 80 kg है, लेकिन रीडिंग क्या आ रहा है, 120 kg। ऐसा क्यों हुआ, इस एक्सलरेशन के कारण। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, तो अभी हमने सेकेंड लॉ यूज तो किया, लेकिन इससे पहले हमने कभी डिस्कस नहीं किया था, तो
सेकेंड लॉ में हमने पहले क्या बताया था कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट या एनी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ इक्वल्स टू के इन टू डी एम वी बाय डी टी। पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू एम वी, वेयर एम इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो F इक्वल्स टू डी एम वी बाय डी टी। तो हम मास को क्या मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है यहाँ पर, तो टाइम के साथ मास चेंज नहीं हो रहा है। तो M इक्वल्स टू डी वी बाय एम इंटू डी वी बाय डी टी, और डी वी बाय डी टी क्या होता है, A होता है। तो F इक्वल्स टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ को डिराइव करने के बाद हमें कौन सा इक्वेशन आया था, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं तो जिस डायरेक्शन में एक्सलरेशन होता है उस डायरेक्शन में हम एफ नेट लिखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, ये एक मास है एम, इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन और इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है 3 न्यूटन। एक आदमी है जो इसको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है और दूसरा आदमी है जो इसको 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है। अब आपको बताना है कि इसका मोशन किधर होगा। ऑब्वियस है कि जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर इसका एक्सलेशन होगा, ठीक है। तो हमें यदि बोला जाए कि न्यूटन सेकेंड लॉ इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे कि 5 - 3 इक्वल्स टू एम ए, 2 इक्वल्स टू एम ए, ए इक्वल्स टू एम बाय 2, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ये मास एम, एक आदमी है जो यहाँ से इसको 5 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरा भी 3 न्यूटन से खींच रहा है। तो इस केस में लिखिए, तो इस केस में तो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ए इधर एक ही इसी डायरेक्शन में होगा। तो 5 + 3 इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल्स टू 8/m। तो इसमें फर्स्ट केस आता है कि जब मोशन हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर हो, तो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जांपल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ये एक मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के ऊपर 3 kg के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इफ फाइव फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन देन फाइंड एक्सलेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, यानी का इसका हमें एक्सलेशन फाइंड करना है और बी पार्ट में फाइंड करना है M1 और M2 के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्सलेशन फाइंड करते हैं ए पार्ट में। जब भी हमें पूरे सिस्टम का एक्सलेशन फाइंड करना हो तो हम पूरे को इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे तो दोनों का जो वेट है, मास है, वो कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि नेट मास इक्वल्स टू M1 + M2, और M1 + M2 3 + 5 इक्वल्स टू 8 kg। तो ये 8 kg का मास हो गया और इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब ए आपको बताना है, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट कितना लग रहा है, 5 न्यूटन इक्वल्स टू मास कितना है, 8 × a। तो ए आ गया यहाँ से 5/8 m/s², ठीक है। अब बी पार्ट में दोनों के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो
हमें क्या करना होगा, दोनों का हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। इसके ऊपर लेफ्ट से लग रहा है 5 N का फोर्स, और 5 kg के द्वारा नॉर्मल लग रहा होगा, और 5 kg के ऊपर, 5 kg के ऊपर 3 kg के द्वारा सेम, जितना नॉर्मल 5 kg लगा रहा होगा उतना ही नॉर्मल 3 kg लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, दोनों एक एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन a = 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सेलरेशन 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो इंडिविजुअली क्या कीजिए, इस पे F=ma वाला लगा दीजिए फॉर्मूला। तो इस पे F नेट लग रहा है, केवल नॉर्मल ही लग रहा है, तो नॉर्मल =ma, तो 5 × 5/8, तो नॉर्मल =25/8 आ गया वैल्यू नॉर्मल का 25/8। अगर आपको वेरीफाई करना हो कि ये सही आया या नहीं आया, तो आप इस पर भी नॉर्मल लगा निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस पर एफ नेट लग रहा है 5 − normal = ma, तो 5/8 × 3, तो 5 − n = 15/8, तो 15/8 को इधर भेजेंगे और नॉर्मल को इधर ले आएंगे, तो 5 − 15/8 = n, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 40 − 15/8 = n, तो यहाँ से n आ जाएगा, n = 25/8। देखो आप, इस केस में भी नॉर्मल का वैल्यू 25/8 आया, और जब हमने इसके केस में निकाला तब भी नॉर्मल का वैल्यू 25/8 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो मास है 1 kg 2 kg, 1 kg के ऊपर 3 N लग रहा है, और फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इस होल सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। तो हमें होल सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे तो मास टोटल एम टोटल =1 हो जाएगा 1 + 2 kg = 3 kg, और एफ नेट =3 N, तो F = ma, तो F 3 N लग रहा है, मास है 3 × a, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1 m/s², ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हमें FBD बनाना होगा, तो 1 kg के ऊपर 3 N लेफ्ट से लग रहा है, और 2 kg के द्वारा इस पर नॉर्मल लग रहा होगा, और 2 kg के ऊपर केवल 1 kg के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स है वही लग रहा है, केवल उसी के कारण इसका एक्सेलरेशन 1 m/s² है। तो F = ma, तो नॉर्मल =ma, m है 2 × 1, तो नॉर्मल =2 आ गया 2 N। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 1 kg और 2 kg, अब लेकिन इस बार फोर्स लग रहा है 2 kg के ऊपर, और इस केस में भी नॉर्मल निकालना है, 1 kg और 2 kg के बीच का नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों को एक सिस्टम मानकर चलते हैं और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो a = f/m, तो 3 / mass, मास कितना है 3, तो a = आ गया 1 m/s². अब दोनों का हम FPD बनाएंगे,
1 kg इसके ऊपर केवल नॉर्मल लग रहा है और इस 2 kg के ऊपर इधर से राइट से 3 न्यूटन लग रहा है और लेफ्ट से नॉर्मल लगेगा। तो 1 kg को हम केवल ऑब्जर्व करते हैं तो n=ma, तो n=1 × 1, तो 1 न्यूटन। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा? 1 न्यूटन। आप इस पर भी चेक कर सकते हैं। थ्री माइनस n=2 × 1, तो 3 − 2 = n, तो n=1 न्यूटन। ये नॉर्मल का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, 2 kg और 4 kg दिया हुआ है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। तो इसका FBD बनाइए। फर्स्ट हम क्या करते हैं, 2 kg का FBD बनाते हैं। तो 2 kg के ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा और एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि 20। सेकेंड 4 kg का है तो 4 kg के ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा 2 kg के द्वारा, दूसरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 40 लग रहा होगा और एक ग्राउंड के द्वारा n-। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है तो n=20। इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, a=0। इस पे एफ नेट लिख क्या होगा कि n+40 = n-। ये नॉर्मल नीचे लग रहा है और ये 40 भी नीचे लग रहा है, लेकिन ये n- ऊपर लग रहा है, ये n- ऊपर लग रहा है। तो क्या लिखेंगे कि n+40 = n-, और यहाँ n का वैल्यू है 20, इसको इसमें पुट करेंगे तो 20+40 = n-, तो n- = आ गया 60 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स क्या होगा? 20 न्यूटन होगा और नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 kg एंड सरफेस होगा 60 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर ये मास m का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, मास m। तो इस पर सबसे पहले आप फोर्स लिखिए, फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक फोर्स तो लग रहा होगा नॉर्मल, जो ये इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर लगा रहा होगा। दूसरा फोर्स लग रहा होगा जी। ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन फिलहाल क्या है, रेस्ट पर है। तो इस ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, ए। ठीक है, ये ब्लॉक जो है इस पर स्लाइड करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इक्वेशन के डायरेक्शन में जो है हमें फोर्स, मोशन के डायरेक्शन में जो है फोर्स का इक्वेशन लिखना है। तो हम पहले एक्सिस चूज कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला एक्सिस हम ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सिस हम ले लेते हैं। एक्सलेशन
इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो ये नॉर्मल लग रहा है और ये ग्रेविटी और ये एंगल थीटा है। तो इस जी का कंपोनेंट हम एक वाई एक्सिस में लेंगे और एक एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा है तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा और ये जी साइन थीटा। अब जी कॉस थीटा को तो ये नॉर्मल बैलेंस कर देगा, जी साइन थीटा केवल एक फोर्स लग रहा है वो भी इस डायरेक्शन में, तो केवल इस फोर्स के कारण इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन एन इक्वल्स टू जी कॉस थीटा, सेकेंड जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड इक्वेशन। यहां से हमें ए आ जाएगा, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा बाय एम। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये प्लेन दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर मास एम रखा हुआ है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक जी लगेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। तो इसका जी का दो कंपोनेंट, जी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट जी साइन थीटा। तो नॉर्मल को जी कॉस थीटा बैलेंस कर देगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, केवल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जी साइन थीटा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा, ठीक है। जी एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा जी साइन थीटा। तो वही आपको यहाँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको थीटा दे दिया जाएगा, एम दे दिया जाएगा और आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा और एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम। स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम में जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि मास एम लटकाया हुआ है और ये दो फिक्स्ड वॉल है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर टेंशन आपको फाइंड करना है। तो एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एम जी लग रहा है और इसमें कुछ ना कुछ टेंशन होगा और ये आइडियल स्ट्रिंग है। तो आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता है कि हर पॉइंट पर टेंशन, समान टेंशन एक्ट करता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन इसका जीरो, एफ पी डी हम ड्रॉ करते हैं, एम टेंशन एम जी ए इक्वल्स टू जीरो। तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो ए जीरो है तो एम ए जीरो होगा। तो यहां से आ गया टी इक्वल्स टू एम जी। तो पॉइंट ए पर टेंशन कितना होगा, एम जी टेंशन होगा। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के ऊपर भी, पॉइंट बी से कनेक्टेड है मास एम, तो टेंशन इसको अपन टी डैश ले लेते हैं। तो टी डैश इक्वल्स टू एम जी। तो पॉइंट बी के ऊपर भी टेंशन एम जी ही होगा और पॉइंट सी, पॉइंट सी के ऊपर भी टेंशन एम जी ही होगा क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है इस केस में। पॉइंट डी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर भी टेंशन एम जी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है टू ब्लॉक्स ऑफ मास एम
4 kg, 4 kg, 6 kg अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर टेंशन कितना लग रहा होगा ये फाइंड करना है। तो इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है 4 kg और 6 kg, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इस पूरे 6 kg और 4 kg को हम एक सिस्टम मान लेंगे, यानी कि हम मानेंगे कि ये दोनों एक ही है और ये यहाँ से पॉइंट ए से कनेक्टेड है, पॉइंट ए से कनेक्टेड है, 6 + 4 = 10। तो इस पर फोर्स दो ही लग रहा है, स्ट्रिंग लगाएगा ऊपर की ओर और मोशन, सॉरी ग्रेविटी लगाएगा नीचे की ओर, तो T = mg, तो 6 + 4 × g, तो T = 10g। इसको TA कर देते हैं, TA, तो टेंशन एट A = 100 N आएगा। अब टेंशन एट बी फाइंड करना है, तो टेंशन एट बी केवल किसके द्वारा लगेगा, 6 kg के द्वारा, ठीक है। तो 6 kg का हम FBD बनाते हैं, तो 6 kg टेंशन TB 60, तो TB = 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए मैसिव स्ट्रिंग ऑफ मास 2m, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए बी एंड सी। इस केस में आइडियल स्ट्रिंग नहीं है बल्कि मैसिव स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो इस केस में एवरी पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होगा, तो हमें निकालना है ए पर, ए पॉइंट बिल्कुल मिडिल में है, बी पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर है और सी पॉइंट। तो हम फर्स्टली बी पॉइंट पर निकालते हैं, बी पॉइंट मास एम जस्ट यहाँ पर, तो इसके ऊपर को एक फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटी लगा रहा है, और एक फोर्स इस स्ट्रिंग के द्वारा लग रहा है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के द्वारा लग रहा है, मान लेते हैं TB, और कोई फोर्स नहीं है और इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो TB = क्या लिखेंगे हम, MG। सेकेंड केस है TA, तो M और TA मिडिल में है, इसका भी मास है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है, तो इसका भी, इस मास के कारण भी तो टेंशन जनरेट होगा, और इस मास के कारण टेंशन जनरेट होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका हम मास फाइंड कर लेते हैं, तो ये ए क्या है, बिल्कुल मिडिल में है, तो यूनिफॉर्म मास है, तो स्ट्रिंग का मास कितना होगा, एम होगा, यानी कि TA = टोटल मास m + m × g। अब सी के केस में, हम क्या होगा कि ये पूरा मास हम कंसीडर करेंगे, यानी कि टेंशन एट C = 2m + m × g। तो TB पर आ गया mg, TA पर आ गया m + m × g, और C पर आ गया 2m + M × g। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 kg, 4 kg और 5 kg तीनों आपस में स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, और 5 kg के ऊपर फोर्स 120 N अप्लाई हो रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स निकालना है और टेंशन इन स्ट्रिंग एंड इन 1 और 2। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या, हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये तीनों एक ही सिस्टम है, ठीक है, 3 + 4 + 5, यानी कि मास, टोटल मास इस सिस्टम का क्या कंसीडर करेंगे, 3 + 4 + 5, 12 kg, तो m total = 12 kg,
ए इक्वल्स टू एफ बाय एम, एफ बाय एम, तो एफ कितना है 120 है और एम है 12, तो ए आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 और 2 के बीच का जो है टेंशन, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का टेंशन फाइंड करना है, तो हम एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। स्ट्रिंग 1 4 केजी से कनेक्टेड है, 4 केजी, तो इसके ऊपर लग रहा है T1 और 4 केजी से कनेक्टेड है T2। और हमने अभी फाइंड किया एक्सलेशन, एक्सलेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सलेशन इसका राइट के राइट डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हम फोर्स भी लिखेंगे। तो T1 माइनस T2 इक्वल्स टू MA, तो 4 × 10 तो 40, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 3 kg के, 3 kg, तो 3 kg के ऊपर केवल एक ही टेंशन लग रहा होगा जो कि सेकेंड स्ट्रिंग के द्वारा T2 टेंशन लगाया जा रहा है, केवल इसी फोर्स के कारण 3 kg का एक्सलेशन हो रहा है, और इसका भी एक्सलेशन ए इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो रहा है। तो इस पर जब हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे T2 इक्वल्स टू 30 सेकेंड, तो T2 का वैल्यू यहाँ आ गया 30, तो इस T2 को इसमें पुट करेंगे, तो T1 माइनस 30 इक्वल्स टू 40, तो T1 इक्वल्स टू 30 प्लस 40, तो T1 इक्वल्स टू 70 न्यूटन। तो T1 यानी कि टेंशन इन स्ट्रिंग 1 आ गया 70 न्यूटन और टेंशन इन स्ट्रिंग 2 आ गया 30 न्यूटन, टेंशन इन स्ट्रिंग 2 आ गया 30 न्यूटन। एक यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि हमें टेंशन T1 फाइंड करना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि 4 kg ये और इससे स्ट्रिंग 1 कनेक्टेड है, यानी कि इस पर T1 टेंशन लग रहा होगा और ये 3 kg है, तो इसको इन दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं, तो मास टोटल कितना आ गया 7 kg, एक्सलेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो T1 इक्वल्स टू MA 70, तो T1 यहाँ से भी 70 आ गया, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं।